नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या रहेगी दोस्तों हमारे यहाँ पे 50, जो गत एग्जामू के अंदर पूछे गए प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले एक बार सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों संधि के क्वेश्चन है उसको देखें और आंसर बताएं। इस प्रकार अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण ट्रिक्स हैं उसमें जाकर एक बार जो संधि के वीडियो हैं उनको एक बार जरूर आप सभी साथी है जो देख ले। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो मेरे नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो की लिंक को अधिक से शेयर करें और लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे हमारे 50 दोस्तों और 50 क्वेश्चन है जो गत एग्जामों में सभी के सभी क्वेश्चन है किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे जरूर गए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, उच्चवास का सही संधि विच्छेद आपको यहां पे पूछा है। ऑप्शन है आपके उत प्लस छवास, उच्च प्लस छवास। सही रहेगा आपका उत प्लस वास, व्यंजन संधि दोस्तों। उच्चवास का क्या होगा? उत प्लस सवास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्धन के अंदर कौन सी संधि है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप जैसे ही देखो और अपने आंसर दे दो उसके लिए एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सभी साथी क्लासे जरूर अटेंड कर ले। संधि की 3 क्लासे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। तो वो क्लासें हैं दोस्तों, छोटी छोटी क्लासें हैं, उनको जरूर अटेंड करें। अब बात कर रहे हैं कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि, निहे प्लस धन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? वधु प्लस उर्मी। सही रहेगा आपके वधु प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन सखी प्लस गमन संख्या प्लस गमन। सही रहेगा दोस्तों, पूछा किसका है? संख्यागमन, तो रहेगा सखी प्लस आगमन, ऑप्शन 1 आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपको 5 से 7 सेकंड का समय पर्याप्त रहेगा दोस्तों, जिसमें आप अपना आंसर है वो देख लें। निष्कपट का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों निहे प्लस कपट, ऑप्शन 1 आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वागीस का संधि विच्छेद होगा वाग प्लस ईस। पूछा किसका है? वागीस का, तो वागीस का सही संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस। क्या होगा मित्रों? वाक प्लस ईस दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्निहित सन्निहित है दोस्तों? तो दोस्तों दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, ये सभी संधियां हैं जो आपके स्वर संधि के भेद होते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि है दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर,
स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? स्वागत सु प्लस आगत, तो कौन सी संधि होगी दोस्तों यहां पे आपके? यण संधि। दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है दोस्तों? ने प्लस अक अयादि संधि, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यर्थ में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यण संधि की पहचान क्या होती है मित्रों, ये बता दूं, ये और वह के साथ हमेशा इनसे पूर्व आपको हलंत वाला वर्ण यानी आधा अक्षर आधा वर्ण मिलेगा दोस्तों। जिस प्रकार यहां पे देखिए व्यर्थ के अंदर ये से पहले आपको आधा वह मिल रहा है, मतलब यहां पर कौन सी संधि है? यण संधि है, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा। प्र प्लस त्येक, प्रत्येक प्लस क, प्रति प्लस एक, प्रतीक प्लस ए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक दोस्तों, क्या होता है? प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संयम का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस वच, सम प्लस यम, समीय प्लस मय, सम स प्लस मयम। पूछा किसका है? संयम का सही संधि विच्छेद पूछा है। सम प्लस यम दोस्तों, सम प्लस यम, दो नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा प्लस दौड़, गुड़ प्लस दौड़, गोड़ प्लस दौड़, इनमें से कोई नहीं। गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों? क्या होता है? घोड़ा प्लस दौड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं मित्रों। घोड़ा प्लस दौड़ का अगर संधि की जाएगी तो गुड़दौड़ बनेगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वागीस में कौन सी संधि है? वागीस के अंदर स्वर विसर्ग व्यंजन या दीर्घ, कौन सी संधि है दोस्तों? वाक प्लस इस व्यंजन संधि, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि। सज्जन के अंदर, सज्जन के अंदर कौन सी संधि है? सत प्लस जन व्यंजन संधि, ऑप्शन एक सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार के अंदर कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दो नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भगवत भजन, भगवत भजन में कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या दीर्घ? व्यंजन संधि, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब्ज में कौन सी संधि है? अब्ज में विसर्ग है, व्यंजन है, स्वर्ग है या दीर्घ? ये का ये उदाहरण मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाते वक्त बताया है दोस्तों, ऑप्शन 2 व्यंजन संधि अब्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुबंत में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या स्वर? सुबंत के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आजादी में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या स्वर? पूछा किसका है? आजादी का। आजादी के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये का ये क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिच्छेद में कौन सी संधि है दोस्तों? परि प्लस छेद, कौन सी संधि है? विसर्ग है, दीर्घ है, स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन संधि है दोस्तों परिच्छेद के अंदर। परि प्लस छेद, स्वर के बाद में छ आने से ते का आगम होगा, ते का छ से मिलने पर छ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण या वृद्धि? चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि, ऑप्शन एक
ऑप्शन एक नंबर आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यशोदा में कौन सी संधि है, व्यंजन यण विसर्ग या स्वर। यशोदा के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों, यश प्लस दा, कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। तीन नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निराहार में कौन सी संधि है, निराहार के अंदर कौन सी है, व्यंजन है, स्वर्ग है, विसर्ग है या यण है। निराहार के अंदर विसर्ग संधि होती है और इंपॉर्टेंट है निराहार और रामायण, ये दो उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दुरासा में कौन सी संधि है, विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है या यण है। दुरासा के अंदर कौन सी संधि है, दुरह प्लस आशा, विसर्ग संधि, ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तपोभूमि, तप प्लस भूमि में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, यण या स्वर। तपोभूमि में कौन सी संधि है मित्रों, विसर्ग संधि है, दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनोयोग में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, यण या विसर्ग। मनोयोग, मन है प्लस योग, मतलब विसर्ग संधि, ऑप्शन आपका चार नंबर यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सच्चरित्र में कौन सी संधि है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या दीर्घ है। सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र, मतलब व्यंजन संधि आपका सही रहेगा यहां पे, एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उज्जटिका में कौन सी संधि है दोस्तों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ। उज्जटिका, उत्प्लस जटिका, ते के बाद में चैवर्ग आने पर ते का तीसरा, यानी कि जो ते है वो चैवर्ग में बदल जाएगा, तो यहां पे जटिका, मतलब यहां पे कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि, उत्प्लस जटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उल्लास में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, स्वर या इनमें से कोई नहीं। उत्प्लस लहास, मतलब कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है दोस्तों। उत्प्लस लहास, तैवर्ग के बाद में ले, तो तैवर्ग ले में बदल जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बृहटिका में कौन सी संधि है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। बृहटिका के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि, तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तल्लीन में कौन सी संधि है, तल्लीन, तत् प्लस लीन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ संधि। तत् प्लस लीन, तैवर्ग के बाद में ल आने पर तैवर्ग किसमें बदल जाता है, ले में, मतलब यहां पे कौन सी संधि हो गई मित्रों, व्यंजन संधि, दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रामायण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, रामायण में कौन सी संधि है, विसर्ग, स्वर, व्यंजन या दीर्घ। कौन सी संधि सही रहेगी रामायण के अंदर, तो मित्रों रामायण, राम प्लस अयन होगा इसका संधि विच्छेद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ए प्लस ए मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे दीर्घ और यहां पे ने का अण है, होने पर यहां पे होगा व्यंजन, यहां पे व्यंजन और यहां पे दीर्घ, दो संधियां का विच्छेद हो रहा है यहां पे, दो संधियां प्रयुक्त हो रही है इसके अंदर, और आपको सही अगर यहां पे बताना है तो बताना है तीन नंबर ऑप्शन, व्यंजन संधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, परिणाम में कौन सी संधि है मित्रों, परिणाम के अंदर कौन सी संधि है, दीर्घ, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। परिणाम के अंदर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन तीन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सूर्योर्जा में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यदि। सूर्य प्लस ऊर्जा, मतलब कौन सी संधि हो गई मित्रों यहां पर, गुण संधि, दो नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जलोर्मी में कौन सी संधि है, गुण है, दीर्घ है, अयादि है या वृद्धि है। जल प्लस उर्मी, कौन सी संधि रहेगी दोस्तों, कौन सी रहेगी, गुण संधि, एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गंगोदक में कौन सी संधि है, गंगा प्लस उदक, कौन सी संधि हुई, दीर्घ हुई, गुण हुई, वृद्धि हुई या अयादि हुई। कौन सी संधि हुई, गुण संधि,
दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विधुदे में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। दीर्घ संधि है दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नारी स्वर में कौन सी संधि है, नारी प्लस ईश्वर में, नारी प्लस ईश्वर संधि विच्छेद होगा, कौन सी संधि है यहां पे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो सही रहेगा आपका दीर्घ संधि। यहां पे देखिए मात्रा किसकी आ रही है, दीर्घ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भूषमा में कौन सी संधि है, गुण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ। भू के अंदर दीर्घ की मात्रा आ रही है, मतलब कौन सी संधि होगी मित्रों यहां पे, दीर्घ संधि। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सचिंद्र में कौन सी संधि है, सचिंद्र के अंदर कौन सी संधि है, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो एक बार मित्रों यहां पे देखिए, सच्ची ची के अंदर किसकी आ रही है, दीर्घ की मात्रा, तो दीर्घ संधि। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लक्ष्मी इच्छा में कौन सी संधि है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है। लक्ष्मी मी के अंदर दीर्घी, यहां पे लक्ष्मी दीर्घी प्लस ई, दो मी ई मिल रही है, दीर्घ संधि। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, साधुर्जा में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है। साधुर्जा के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों, यहां पे देखिए मित्रों, दू के अंदर दीर्घ ऊ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पत्र प्लस इतर, पो प्लस इतर, पौ प्लस इतर, पो प्लस इतर। पवित्र का यहां पे आपको संधि विच्छेद पूछा है, यादि संधि है, पो प्लस इतर होगा यहां पे, पो प्लस इतर। 4 नंबर ऑप्शन अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभुदे अभ्युदे शब्द में कौन सी संधि है, ये के पहले क्या मिल रहा है, आधा अक्षर मिल रहा है, ये के पहले क्या मिल रहा है दोस्तों, आधा अक्षर, मतलब कौन सी संधि, यण संधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों, उत प्लस धरण, उत प्लस अण, उत प्लस हरण, उद प्लस रण, उत प्लस हरण, व्यंजन संधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, पर्या प्लस वरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण। पर्यावरण परि प्लस आवरण, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों आज की इस क्लास के अंदर हमने संधि से रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे, आपने 50 में से कितने यहां पे सही अटेंड किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक संधि की तीनों क्लासे अटेंड नहीं की है, प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण ट्रिक से वहां पर जाकर तीनों ट्रिक के साथ देखें, और संधि के अलावा अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो सभी की वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, सभी की वीडियो एक बार जरूर देख ले मित्रों। ट्रिक के साथ संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको करवाई जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।